हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे सोर थ्रोट के बारे में। सोर थ्रोट क्या होता है, इसके कारण क्या होते हैं, इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, इसका इलाज क्या होता है या इसका प्रिवेंशन क्या होता है। इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट डॉक्टर DLG चैनल, जिसमें आपको ऑथेंटिक और सही जानकारी दी जाती है। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले हम जान लेते हैं सोर थ्रोट होता क्या है। सोर थ्रोट एक कॉमन बीमारी है और आजकल की जनरेशन में हर किसी को ये बीमारी देखने को मिलती है। सोर थ्रोट में आपको गले में दर्द हो सकता है, गले में खुजली हो सकती है, गले में निगलते समय दर्द हो सकता है, या फिर बुखार हो सकता है, शरीर में दर्द हो सकता है, सर में दर्द हो सकता है और आवाज़ का भारीपन हो सकता है। इसके अलावा जो पोस्टीरियर वॉल ऑफ फेरिंग्स होता है, यानी फेरिंग्स की जो पोस्टीरियर वॉल होता है, वहाँ पर छोटे छोटे न्यूड्यूल्स देखने को मिल सकते हैं, जिन मरीजों को लंबे समय से ये परेशानी होती है। अब हम समझ लेते हैं इसका कारण क्या होता है। सबसे पहला कारण होता है वायरल इन्फेक्शन। वायरल इन्फेक्शन एक कॉमनतः सामान्यतः मरीजों में देखने को मिलता है और ये अधिकतर मरीजों में वायरल इन्फेक्शन की वजह से होता है। इसके अलावा होता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन। इसके अलावा फंगाई या फिर अन्य कारणों की वजह से भी हो सकता है, एलर्जी की वजह से भी हो सकता है, या कुछ मरीजों में ठंडी चीज़ें खाने की वजह से भी ये प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। अब हम बात कर लेते हैं इसके ट्रीटमेंट के बारे में। सबसे पहले ट्रीटमेंट होता है गार्गल्स करना। गार्गल्स यानी कि थोड़े से गुनगुने पानी में थोड़ा सा नमक डाल करके उससे गार्गल्स करें। और इसके अलावा ठंडी चीज़ें खाने से परहेज करें। अगर कोई मरीज बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, एल्कोहल खाता है तो तुरंत उसे बंद करवा दें। ऐसे मरीजों में ये बहुत जल्दी ही आराम मिलने लगता है। अगर हम बात करें कुछ अन्य ट्रीटमेंट के बारे में, तो यहाँ पर मैकलाइट्स कुछ ऐसे एंटीबायोटिक्स दिए जाते हैं, जैसे एजिथ्रोमाइसिन, एमोक्सिक्लेव इत्यादि, स्टेरॉइड्स, एनाल्जेसिक्स यानी कि दर्द निवारक और कफ को दबाने वाली कुछ दवाइयाँ भी दी जा सकती हैं। ऐसे मरीजों को कुछ दिन के लिए रेस्ट करना चाहिए, यानी उनको कम बोलना चाहिए और ठंडी चीज़ें खाने से परहेज करना चाहिए। ये था आज का वीडियो। आशा करते हैं वीडियो आपके लिए हेल्पफुल, फ़ायदेमंद होगा। अच्छा लगे तो शेयर करें और कुछ पूछना चाहते तो हमें कमेंट करें।